ये बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश की मैनपुरी सीट से, जहां मैनपुरी से डिंपल यादव चुनाव जीत चुकी है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां मैनपुरी से डिंपल यादव चुनाव जीत चुकी है। बता दें, डिंपल यादव 189,000 मतों से यह चुनाव जीत चुकी है। वहीं बीजेपी प्रत्याशी जयवीर सिंह को डिंपल यादव ने भारी मतों से हराया है। हम आपको बता दें, मैनपुरी के मैदान में जयवीर सिंह जो कि बीजेपी से उतरे थे, वही डिंपल यादव सपा से प्रवक्ता थी। वही दूसरी ओर गुलशन देव शाह के बसपा के उम्मीदवार बने थे। हम आपको बता दें, मैनपुरी से डिंपल यादव चुनाव जीत चुकी है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां डिंपल यादव 189,000 मतों से इस चुनाव को जीत चुकी है। वही बीजेपी प्रत्याशी जयवीर सिंह को डिंपल यादव ने भारी मतों से हराया है। हम आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट कहे जाने वाली मैनपुरी लोकसभा सीट, जो कि इस क्षेत्र को समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है, बीते 28 सालों से यहां की चुनावी रेस में साइकिल ही सबसे आगे रही है। वही दूसरी ओर हम आपको बता दें, नील खेमे का हाथी जीत की दौड़ में जब भी शामिल हुआ, थक कर पिछड़ गया है। वही कमल ने भी कई बार खेलने की कोशिश की, लेकिन जीत की सुगंध नहीं बिखेर सका। लेकिन इस बार अब भारी मतों से डिंपल यादव ने अपनी जीत का रिकॉर्ड बना दिया है। हम आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की इस हॉट सीट पर मुलायम सिंह की बहू अखिलेश यादव की पत्नी और सपा से प्रत्याशी डिंपल यादव ने लोकसभा चुनाव में अपनी जीत दर्ज करवा दी है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां डिंपल यादव 189,000 मतों से जीत चुकी है यह चुनाव। वहीं हम आपको बता दें, बीजेपी प्रत्याशी जयवीर सिंह को डिंपल यादव ने भारी मतों से हराया है। हमारी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आंकड़े, जो कि बताया जा रहा है 189,000 से डिंपल यादव ने बीजेपी प्रत्याशी जयवीर सिंह को चुनाव में हरा दिया है।